स्टूडेंट क्लास थर्ड। देखिए सब्जेक्ट हिंदी बच्चों, हम लोग चैप्टर नंबर 16 मित्र को पत्र, ये लेसन का मीनिंग और फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में बच्चों देखिए हम लोग क ख ग तीन क्वेश्चनों का आंसर राइट कर लिए थे। आगे है फोर नंबर यानी घ है, कुड़ाल अपनी बहन के हाथों क्या भिजवाया। अंग है कुड़ाल को किस बात का दुख है। इसके बाद है बच्चों शब्द बोध, फिर है व्याकरण। ठीक, तो आइए चलते हैं हम लोग जो कल का आंसर अभी हम लोग का बाकी है उसको राइट करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड का प्रश्न नंबर कुड़ाल अपनी बहन के हाथों क्या भिजवाया। आंसर कुड़ा अपनी बहन के हाथों एक छोटी सी भेंट भिजवाया। भेंट यानी उपहार भिजवाया। ठीक, आप इसको राइट कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर अंग है, क्वेश्चन नंबर अंग है बच्चों, कुड़ाल को किस बात का कुड़ाल को यशराज के समारोह में यशराज के जन्मदिन समारोह में उपस्थित न होने के कारण उसे दुख होने के कारण पूरा को दुख था। ठीक, या उसे दुख है।
देखिए, कुड़ाल यशराज के जन्मदिन समारोह में उपस्थित न होने के कारण उसे दुख है। कुड़ाल को यशराज के जन्मदिन समारोह में कुड़ाल को यशराज के जन्मदिन समारोह में उपस्थित न होने के कारण दुख है। ठीक है बच्चों, ये आप आंसर राइट कर लीजिए। इसके बाद है शब्द बोध। नीचे एक वाक्य के कई अर्थ दिए हैं, सही अर्थ पर सही का चिन्ह लगाइए। इस अवसर पर आकर हमारे आनंद में वृद्धि करें, अर्थात तुम आओगे तभी हमें आनंद आएगा। हमारे आनंद को बढ़ा सको तो ही आना, तुम आओगे तो हमारा आनंद और बढ़ जाएगा। केवल हमारा आनंद बढ़ाने के लिए ही आना। तो कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों? तुम आओगे तो हमारा आनंद और बढ़ जाएगा। ठीक, इसको आप कर लिए होंगे। आगे चलते हैं शब्द बोध। फर्स्ट है नीचे एक वाक्य के कई अर्थ दिए हैं, सही अर्थ पर सही का चिन्ह लगाइए। देखिए क्वेश्चन है, इस अवसर पर आकर हमारे आनंद में वृद्धि करें, बच्चों दिया है तुम आओगे तभी हमें आनंद आएगा। हमारे आनंद में वृद्धि करे, यानी दिया है तुम आओगे तभी हमें आनंद आएगा। हमारे आनंद को बढ़ा सको तो ही आना, तुम आओगे तो हमारा आनंद और बढ़ जाएगा। केवल हमारा आनंद बढ़ाने के लिए ही आना। तो इसका अर्थ क्या है? हमारे आनंद में वृद्धि करे। अगर इस अवसर पे तुम आओगे तो हमारे आनंद में क्या आएगी? और भी हमारा आनंद क्या हो जाएगा? और भी बढ़ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों? देखिए थर्ड वाला ऑप्शन सही है। तुम आओगे, तो हमारा आनंद और जाएगा। ये ऑप्शन राइट है। ठीक, इसको आप राइट कर लीजिए। इसके बाद आप देखिए सेकंड क्वेश्चन हो गया बच्चों।
देखिए सेकंड है, दिए गए शब्दों के प्रयोग, शब्दों के प्रयोग द्वारा वाक्य बनाकर लिखिए। पहला शब्द है दिनांक, दिनांक। मेरा जन्मदिन, मेरा जन्मदिन दिनांक, जन्मदिन दिनांक 11 नवंबर को है। विद्यालय के सरस्वती पूजा की जाना है। इसके बाद है कारण वश, कारण वश मैं अपने दोस्त के घर किसी कारणवश नहीं गया। मैं अपने दोस्त के घर किसी कारणवश नहीं गए। फिर है आनंद। इतना आप राइट कर लीजिए बच्चों, फिर हम आनंद औसत। कर लिए होंगे राइट। आनंद घर है, आनंद
तुम्हारे जन्मदिन में बहुत आनंद, तुम्हारे जन्मदिन पर बहुत आनंद आया। अंगे अवसर अवसर हमें आपके आपके विद्यालय में हमें आपके विद्यालय में आने का अवसर मिला। रेड कर दीजिए बच्चों। ये आप राइट कर लीजिए। इसके बाद है व्याकरण बोध। चलिए व्याकरण बोध पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नीचे लिखे शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। क्या लिखना है बच्चों? समानार्थी शब्द यानी पर्यायवाची। कौन है? शाम। खर है मीत। गर है आनंद। घर है भोजन। देखिए समानार्थी शाम यानी संध्या, सायंकाल, मित्र, दोस्त, सखा, आनंद, मस्ती, मजा, सुख, भोजन, खाना, आप इसको राइट कर लीजिए बच्चों। ये रहे समानार्थी शब्द। इसके बाद है नीचे लिखे शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखे, यानी इसका विलोम शब्द लिखना है। ये कर लिए होंगे आप। फिर विलोम शब्द लिखना है। देखिए बच्चों, सेकंड क्वेश्चन है, नीचे लिखे शब्दों के विपरीत अर्थ। विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखिए। विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखना है। क, ख, ग, घ। क है इस आनंद। वृद्धि पश्चात। देखिए तो इस उस
छह घटना, पश्चात पूर्व, पश्चात इस बाद में, पूर्व में इस पहले। तो आप इसको राइट कर लीजिए बच्चों, ये है विलोम शब्द। हो गया होगा। इसके बाद दिया है, देखिए बच्चों दिया है रचनात्मक कार्य में पहले पत्र का इस प्रकार जवाब दीजिए, मानो तुम उक्त समारोह में जरूर जाओगे किंतु तुम्हारी बहन नहीं जा पाएगी। तो आप अपनी बहन का किसी कारणवश दिखा दीजिए और आप अपने के लिए कहिए कि मैं आऊंगा, इसके लिए आपको पत्र लिखना है। फिर है अपने जन्मदिन पर मित्रों को निमंत्रण पत्र लिखिए, और अपने बर्थडे पार्टी में क्या करना, अपने दोस्तों को बुलाना है तो उसके लिए निमंत्रण पत्र आप लिखिए। तो ये आपको अपने से सेल्फ करना है बच्चों। तो देखिए आज ये चैप्टर जो है हम लोग कंप्लीट कर लिए, 16 चैप्टर जो था मित्र को पत्र, यानी अपने मित्र को निमंत्रण पत्र लिखा गया था। तो ये क्या है, आज आपका ये चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो गया। इसमें जितने भी क्वेश्चन आंसर थे सारे राइट कर लिए हम लोग। इसके बाद है बच्चों देखिए न्यू चैप्टर है क्रिकेट। ये क्या है, क्रिकेट है। तो ये जो है एक पोयम के माध्यम से बताया गया है क्रिकेट के बारे में। तो इसको हम लोग कल राइट करेंगे बच्चों, रिटेन उसका कल हम लोग करेंगे। आज तक के लिए इतना ही बच्चों, बाय बाय स्टूडेंट।